उत्तराखंड से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तरकाशी में बर्फीले तूफान की चपेट में आए हैं पर्वतारोही और 28 पर्वतारोही फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। उत्तरकाशी की एक खबर है जहां 28 पर्वतारोहियों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। अब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, निकालने के लिए तमाम ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, लेकिन अचानक आए बर्फीले तूफान में ये पर्वतारोही फंस गए। 28 संख्या बताई जा रही है जो अभी फंसे हुए हैं। आप देखिए ट्वीट, जो कि ट्वीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, और ट्वीट में उन्होंने बताया है कि जो फंसे हुए पर्वतारोही हैं उनको निकालने के लिए जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवानों द्वारा तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी इन पर्वतारोहियों को निकाला जाए। पुष्कर सिंह धामी ने ही ट्वीट करके इन तमाम बातों की जानकारी दी है। उनके मुताबिक हिमस्खलन होने के कारण नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के 28 परीक्षा जो वहां पर सीखने वाले लोग हैं वो फंसे हुए हैं, इसकी सूचना मिली है, और अब उन्हें निकालने के लिए जो तमाम टीमें हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि 28 पर्वतारोही जो कि फंसे हुए हैं इस बर्फीले तूफान में, उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, सकुशल रेस्क्यू किया जाए, उन्हें वहां से निकाला जाए। ये कोशिशें अब शुरू हो गई है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। आईटीबीपी के जवान भी इस मिशन में लग चुके हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी इस मिशन में लग चुकी है, ताकि 28 फंसे हुए जो पर्वतारोही हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। उत्तरकाशी का यह पूरा मामला है। दरअसल अचानक बर्फीले तूफान की वजह से ये जो 28 पर्वतारोही हैं ये फंस गए, और अब इन्हें निकालने का जो काम है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 28 इनकी संख्या है, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ये टीम तैनात है मौके पर, और जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आप देख सकते हैं, वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बात भी की है पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनसे बात की है, और इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द 28 पर्वतारोहियों को निकालने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये राजनाथ सिंह के ट्वीट आप देख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि 28 जिंदगियां फंसी हुई हैं और उनको निकालने की प्राथमिकता ही उत्तराखंड सरकार की फिलहाल है, और इसीलिए जो तमाम टीमें हैं उनको मौके पर भेज दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इन 28 लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जल्द से जल्द 28 पर्वतारोहियों को इस बर्फीले तूफान की चपेट में से सकुशल निकाला जाए, ये कोशिश की जा रही है, और इसीलिए आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है और वो अपना काम शुरू कर चुकी है। कोशिश ये है, प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द इन 28 पर्वतारोहियों को निकाला जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।